नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धुराधर अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज 25 अगस्त 2020 को HP JBT TET 2020 का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम आज आपको 100% एक्यूरेट आंसर की बताएंगे। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है और इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन, वो हमारा होगा मैथ सेक्शन। हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अगर आपने हमारे अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां पे आपको जो है मिल जाएंगे। या आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जो आज एग्जाम हुआ है HP JBT TET 2020 का, तो वहां पे आपको जो है सारे पार्ट्स जो है अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं। और जो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा 4 और 5, तो अगर आपको उनका भी जो है आंसर चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर कोई भी जो मैं आंसर बता रहा हूँ अगर लगता है आपको कि गलत है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि औरों को भी सही आंसर के बारे में पता लग सके। बट मैं जो भी आंसर बताऊंगा वो 100% एक्यूरेट आंसर होंगे। और आप बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं मैथ सेक्शन में, आप आंसर की मिला के आप बाद में कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में। मेरे पास जो पेपर है ये सीरीज ए का पेपर है, तो आपके पास जो भी सीरीज है तो आप उस हिसाब से जो है क्वेश्चन नंबर देख लें। तो ये 2.5 घंटे का एग्जाम था, 150 मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स इन्होंने रखे थे। तो हम मैथ सेक्शन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेरे जो एग्जाम जो ये पेपर है, तो इसमें सेक्शन 4 है। आपके जो सीरीज है उसमें कुछ और जो है सेक्शन नंबर हो सकता है, तो मैथमेटिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेरे सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर है वो 91 है, आप अपनी सीरीज में देख लें। तो अगर आपको सोल्ड क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है बताएं कि आपको सोल्ड भी चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम सोल्ड के लिए लेके आएंगे, आपके कमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैथ्स का, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर, तो इसका राइट आंसर है डिवीजन, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है स्क्वेयर, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, द स्क्वेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, तो इसका राइट आंसर जो है ए राइट आंसर है 431। मैं इंग्लिश में ही पढ़कर बता दूंगा, जो हिंदी मीडियम है वो वीडियो को पॉज करके हिंदी में पढ़ ले, या अपने क्वेश्चन पेपर में वो देख लें क्वेश्चन को। 94 क्वेश्चन जो है, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वेयर इज, तो इसका राइट आंसर जो है 94 का डी राइट आंसर है 69। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, द डिस्टेंस अलोंग अ लाइन फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर जो है 95 का पैरामीटर राइट आंसर है। 96 क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड, तो अमाउंट है तो वॉल्यूम बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, HCF ऑफ 1.08, 0.36 एंड 0.9 इज, तो इसका राइट आंसर जो है 97 का बी राइट आंसर है 0.18 इसका राइट आंसर है, आप HCF निकाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 48, द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, द सम ऑफ द नंबर इज, तो इसका राइट आंसर जो है सी राइट आंसर है 40, 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज, 99 का राइट आंसर है पैरेललोग्राम, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, द मीन ऑफ 10 नंबर इज 20, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन, तो न्यू मीन कितना होगा 15, ए राइट आंसर है।
101 क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट इज टू बी रिपेड ऑन अ लोन ऑफ रुपीज 12,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसका राइट आंसर जो है 101 का बी राइट आंसर है 138.91.50। 102 क्वेश्चन, विच इज नॉट अ थ्री डायमेंशनल शेप। ये आप ध्यान रखें, कईयों ने ये क्वेश्चन जो है गलत किया होगा क्योंकि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज नॉट अ थ्री डायमेंशनल शेप। तो इसका राइट आंसर जो है डी राइट आंसर है रेगुलर हेक्सागनल। 103 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। तो को प्राइम नंबर कौन से हैं? 18 and 35 ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, ऑन अ मॉर्निंग वॉक थ्री पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो इसका राइट आंसर 104 का है, बी राइट आंसर है 12,240 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज। तो ये सभी को पता ही होगा, 10th से पढ़ते आ रहे हैं हम, 10th 11th 12th में हम जो है प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 1 होती है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर इज, 90 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर सॉरी मीटर, तो इसमें जो है हमें यूनिट्स देख लेने हैं, या मीटर मीटर में कर देंगे कन्वर्ट इनको, या सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। तो हमें दोनों यूनिट्स जो है सेम होने चाहिए, फिर ही हम जो है रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है 106 का राइट आंसर 3:5 बी राइट आंसर है। तो ये बहुत ही इजी जो है क्वेश्चन इन्होंने डाले हुए हैं, बेसिक क्वेश्चंस मैथ्स के। 107, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, कौन सी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है? 7/8 डी राइट आंसर है। 108, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो इन्होंने वैल्यू पूछी थी, तो इसका राइट आंसर है ए 2.13। 109, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 कोसेकेंट 20 डिग्री माइनस सेकेंट 20 डिग्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है ये 4 राइट आंसर है, ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, तो इसका ये फॉर्मूला लगा के जो है आंसर निकलना था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इन्होंने बता रखा है। तो इसका राइट आंसर जो निकलना है ये सी राइट आंसर है, 3abc। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, इफ 45 इज एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज ट्रिपल द नंबर, द नंबर इज, तो इसका राइट आंसर है 18 डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू जो है ए राइट आंसर है, 32/0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 जो क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1 month इज, तो इसका राइट आंसर है सी राइट आंसर है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, ए फ्रूट सेलर परचेज्ड 20 किलोग्राम एप्पल्स एट रुपीज 50 पर किलोग्राम, आउट ऑफ दीज 5% ऑफ एप्पल्स वर फाउंड रूटीन, इफ ही सेल्स द रिमेनिंग एप्पल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 60 पर किलोग्राम देन हिज प्रॉफिट इज इन परसेंटेजेस, तो इसका जो प्रॉफिट कितना हुआ इसको 14% डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, 225% इज इक्वल टू, इसका राइट आंसर है 9:4 ए राइट आंसर है 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 4 hours, हाउ मच स्पीड ऑफ कार शुड बी इंक्रीज्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 hours। तो
ये डिस्टेंस स्पीड का जो क्वेश्चन है इन्होंने पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है, ए राइट आंसर है 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 117। इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 280 एंड 14 रिस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 70 देन अदर नंबर इज, तो इसका 117 का राइट आंसर जो है 56, राइट आंसर है डी, राइट आंसर है 118। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट लाई बिटवीन -5.6 एंड 7.8, तो इसका राइट आंसर जो है डी, राइट आंसर है -11/12। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 का जो क्वेश्चन है ये, 10 men or 12 women कंप्लीट वन जॉब इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज 5 men and 6 women टुगेदर कंप्लीट द जॉब। इसका राइट आंसर जो है 119 का 10 राइट आंसर है, ए सी राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है 120। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट, क्योंकि आप सभी को पता है अगर ए की पावर 0 हो, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी वैल्यू है, जैसे कोई अल्फाबेट है या कोई डिजिट है या नुमेरिक, तो किसी भी की वैल्यू जो है वो 0 होगी, रेस्ट पावर उसकी पावर जो 0 होगी तो वो इक्वल टू 1 होगा। तो इसमें 1 × 1 × 1, ये प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम थे उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं, जो एचपी टेट का था। तो इसका राइट आंसर जो है बी राइट आंसर है। तो ये था मैथ सेक्शन जो हमने डिस्कस किया। अगर आपने प्रीवियस सेक्शन जो नहीं देखे हैं, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं इस जो चैनल पर, तो हमने जीके और साइकोलॉजी जो है वो हमने डिस्कस कर ली है, और अब मैथ सेक्शन भी हमने जो है डिस्कस कर दिया है इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन पेपर के, तो वो आपको जो है मिल सके, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस जो है वीडियो को आप जोर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी आंसर की के बारे में पता लग सके, और जब भी ऑफिशियली आंसर की आएगी तब हम इस चैनल पर जो है डाल देंगे। तो ये आंसर की जो मैंने बताई है ये भी 100% एक्यूरेट आंसर की है। अगर आपको सोल्व पेपर चाहिए ये मैथ सेक्शन का, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो हम उसके लिए सोल्व जो है क्वेश्चन पेपर भी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे तो उनको भी आप जोर देखें, और जो प्रीवियस पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं उनको भी आप देख लें। हमारे चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उसमें जो है जो एचपी टेट जेबीटी 2020 के जो सभी पार्ट्स जो है अवेलेबल होंगे। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।